लालू यादव ने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। मुलाकात में फैसला हुआ है कि लालू यादव यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लालू ने कहा है कि यूपी में बीजेपी को घुसने नहीं देना है और समाजवादी पार्टी के लिए काम किया जाएगा। अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लालू ने जो मुलाकात में कहा है तो वो मदद कर रहे हैं अपने संधि साहब की या फिर रिश्तों का दायित्व निभा रहे हैं? देखिए, रिश्तों का दायित्व निभाने वाली बात कही जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार की इसमें सहमति है कि उत्तर प्रदेश में आकर आप समाजवादी पार्टी को जिताने की पुरजोर कोशिश करेंगे, उनके आप साथ रैलियां करेंगे, तो इस सवाल पर वो चुप्पी साध गए। उनका केवल यही कहना था कि 2017 के चुनाव में वो बीजेपी के विजय पता को उखाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और इसके लिए जो कुछ होगा वो किया जाएगा। जी, शुक्रिया। आधुनिकता के इस दौर में आपने ऑनलाइन कपड़े, जूते, जरूरत के कई सामान खरीदे होंगे, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी में जानवरों की खरीद फरोख्त शायद आप पहली बार सुने। कल बकरीद के लिए बाजार में बकरों की खरीदारी हो रही है, लाइन लगी है, वहीं बकरों की ऑनलाइन खरीदारी भी जमकर है। बकरीद पर ऑनलाइन खरीदारी, घर बैठे खरीदिए अपने बजट का बकरा। वाराणसी के बाजारों में बकरीद की रौनक छाई हुई है। बकरे के खरीदारों से बाजारों में खासी भीड़ देखी जा सकती है। कुर्बानी के इस त्योहार में बकरे के खरीदारों को ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए काफी आसान बना दिया है। अच्छी नस्ल और कम दाम में आसानी से ऑनलाइन बकरे मिल रहे हैं। यहाँ अलग अलग दाम और अलग अलग क्वालिटी के बकरों की भरमार। ऑनलाइन बकरे बेचने की तेजी बनारस के बाजारों में देखने को मिल रही। बाजार में बकरों का व्यवसाय करने वाले लोग ऑनलाइन भी बकरे बेच रहे हैं, वो भी बाकायदा क्वालिटी के साथ। यहाँ लोग बकरे के फोटो के साथ उसकी बिक्री दाम भी चस्पा कर रहे हैं। 90,000 से 25,000 तक के बकरे ऑनलाइन बुक हो रहे हैं, जिसे ये खरीदारों के घर तक होम डिलीवरी भी कर रहे हैं। तो पहले मंडी से माल खरीद लेते थे, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है। इंटरनेट के जरिए भी जो है तो बकरा सब खरीदा जा सकता है। अच्छे क्वालिटी का बकरा बेचते हैं दुकान पे, इंटरनेट पे, और इंटरनेट के जरिए व्यवसाय बढ़ गया है। बकरे का कलर, बकरे का फोटो, बकरे का वजन सब बता दिया जाता है। इंटरनेट के जरिए जो है उसका दाम बता दिया जाता है, वो लोग उनको पसंद होता है, आ जाते हैं। बकरीद का त्योहार मुस्लिम भाई उसी उत्साह के साथ मनाते हैं, मगर आज के इस व्यस्त समय में बाजार में जाकर मार्केट करना मुश्किल हो रहा है। गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर में जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग, भी ऑनलाइन बकरों की खरीदारी से खासे खुश हैं। कि हम लोग बकरा ईद कल है तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे हर चीज की मार्केट थी ऑनलाइन शॉपिंग की, वैसे इस साल आसानी हो गई, बकरे की भी शॉपिंग होने लगी है, तो हम लोग को बहुत आसानी हो गई कि बकरा चूज कर रहे हैं। हम लोग बैठे घर में ही ऑनलाइन पे अपना कर रहे हैं और वो उसको कर देंगे तो वो आ जाएगा घर। ऑनलाइन बकरा शॉपिंग होने से बहुत आसानी हो गई, क्योंकि मार्केट में जाके धक्की खाना, भीड़ भाड़ में परेशान होना, और ये सारी काम तो अधिकतर मर्द करते थे। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग होने की वजह से औरतों को भी सहूलियत मिल गई है, बहुत आसानी हो गई हम लोग को घर बैठे बकरा खरीदने में। तकनीक के इस दौर में मार्केटिंग के इस तरीके ने लोगों की जिंदगी आसान बना दी। बकरों की ऑनलाइन बिक्री से न सिर्फ खरीदारों को आसानी हो रही है बल्कि व्यवसायियों के लिए भी खासी सहूलियत हो रही है। वाराणसी से अमित सिंह, इंडिया 24/7। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए बस्ती बस्ती, नगरी नगरी।